टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक युवराज सिंह एक बार फिर से आप सभी को मैदान में छक्के चौके लगाते हुए नजर आने वाले हैं। एक खास चैरिटी मुकाबले के लिए युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। इस मुकाबले में कई बदलाव किए गए हैं, आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में और मैच से पहले युवराज सिंह ने क्या बयान दिया है। पहले यह मुकाबला 8 फरवरी को सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अब इस मुकाबले की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब यह चैरिटी मुकाबला 9 फरवरी को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सिडनी में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिस वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अचानक यह बदलाव करना पड़ा। इसी के साथ एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि शेन वॉन अब इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह वॉर्न 11 की कप्तानी एडम गिलक्रिस्ट के हाथों में होगी। इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए युवराज सिंह भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुकाबले से पहले अपने बयान में कहा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना एक बड़ी दुर्घटना है, इससे कई लोगों और अरबों जानवरों की जान गई है। हम इंसान हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। जब युवराज सिंह से पूछा गया कि क्या इस मैच में आपकी कोशिश 6 छक्के लगाने की होगी, इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस समय एक ही छक्का लग जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2-3 छक्के मारने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस मैच से ज़्यादा फंड इकट्ठा हो। युवराज सिंह को अपने करियर के दौरान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेटली ने अपनी रफ्तार से काफ़ी बार आउट किया है। जब यूवी से पूछा गया कि आप इस मैच में ब्रेटली का सामना कैसे करेंगे, तब युवराज ने कहा, अब शायद वह 130-135 की रफ्तार से गेंदबाजी करता होगा, इस रफ्तार को मैं झेल सकता हूं, लेकिन अगर उसकी रफ्तार 150 के आसपास रही तो मैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर ही रहना पसंद करूंगा। युवराज सिंह वॉर्न 11 का हिस्सा होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में क्रिकेट फैंस को यूवी के बल्ले से एक शानदार पारी देखने को मिले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें।